8:46 हो रहे हैं और मैं गया था पेट्रोल भराने के लिए और तैयारी हो चुकी है, तो वीडियो की शुरुआत होती है एक्चुअली यहाँ से। और वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अभी पेट्रोल भराने के बाद और टायर प्रेशर वगैरह सब कुछ सेटअप हो चुका है, बस निकलने की देरी है। तो मैं अभी जल्दी से फटाक से घर जाऊँगा और सारे सामान पैक करूँगा और मिलता हूँ आप लोगों को आगे। ट्रिप्स रीसेट कर देता हूँ। ये ट्रिप सेट हो गया, ये इसको भी कर देते हैं। ट्रिप टू भी सेट हो गया एंड ऑलमोस्ट वी आर डन। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। अभी टाइम देख लो 4:14 हो चुके हैं और मैं नोएडा से निकल चुका हूँ। होप फॉर द बेस्ट, अभी सब कुछ ठीक है। अभी बस मैं 1 किलोमीटर भी नहीं किया मैंने, सारा सामान सेट कर लिया है मैंने। एक बार मैं उतर के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का सेटअप है मेरा अभी फ़िलहाल। थोड़ा सा इसको टाइट करना पड़ेगा बट अभी ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हिलते रहता है। इसको बनाना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसको टाइट कर लेते हैं भाई, ये थोड़ा सा ढीला सा हो रहा है। राइड में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कर लिया टाइट, अब चलो बैठता हूँ। सो ये कुछ इस तरह का सेटअप है भाई। ये हमारी बाइक रेडी हो चुकी है पूरी, देखना है काफ़ी नीचे तक तो नहीं जा रही। नीचे तक तो नहीं जा रही, ठीक ठाक है, बैलेंस है कुछ, हाँ कुछ ठीक है। ओके तो हम निकलते हैं बिना देरी किए। यही था हेरा। आई डोंट नो मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी कि नहीं। आगे जाके एक बार माइक का जो भी मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। स्पीड ब्रेकर्स बहुत तंग करते हैं। ये लगाया फोर्थ गियर और ये लगाया फिफ्थ गियर। हाईवे तो बहुत ही ज़्यादा सही है और इस वाले हाईवे में मैक्सिमम जो मेरी टॉप स्पीड रही है अभी 120, तो ठीक है, ज़्यादा हाई स्पीड भी नहीं जाएंगे, मेंटेन करते हुए चलेंगे किलोमीटर्स को कवर करने में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डे में ज़्यादा राइड ना करके 12 बजे से पहले पहले मैं पहुँच जाऊँ पहाड़ों में, एंट्री कर लूँ, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो मुझे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को आगे आगे मिलता हूँ आगे। ये जो रोड है, इस रोड का नाम है खतौली मीरनपुर रोड और ये अभी 6.7 किलोमीटर को शो कर रहा है मुझे। और आगे नया गांव होते हुए निकालेगा मुझे ये रास्ता। इतना अंधेरा दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो ही चल रहा हूँ, बिकॉज कभी भी कोई भी जानवर इधर उधर आ सकता है ना, इस वजह से। बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है यार, कुछ दिख भी नहीं रहा यार मेरे को इतने अच्छे से। तो अच्छा हुआ मेरे पास लाइट है लगी हुई। इतने गड्ढे हैं, बाप रे।
सुबह के 6:19 हो चुके हैं। अब टाइम है ब्रेक लेने का। आगे एक छोटा सा है सिटी काइंड ऑफ, तो वहाँ शायद से मैं रुकूँगा। वाह मज़ा आ गया। मेरे राइट साइड में क्या ही व्यू है। किया तो ये धाम है भाईराज धाम करके ये है, और अभी मैं यहाँ पे कहीं स्टॉप लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कंटिन्यूस मैंने चला लिया है, ऑलमोस्ट 135 किलोमीटर्स, और टायर का प्रेशर चेक करना है एंड चेन भी चेक करना है। 135 किलोमीटर्स कंटिन्यूस करने के बाद अब जाके मैं रुका हूँ, और काफ़ी पैचेस थे बीच में बट अच्छा खासा कवर कर लिया वन गो में 135 किलोमीटर्स। और बस अभी चाय पीने के लिए मैं रुका हूँ यहाँ पे, चाय पीऊँगा और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी करूँगा, फिर यहाँ से अब जो जर्नी है हमारी रह गई है सिर्फ 100 किलोमीटर्स। सुबह हो चुकी है और अभी यहाँ से मैंने चाय भी पी लिया है और थोड़ा सा बिस्किट खाया है। और मेरे जो सामने सनराइज़ हो चुका है, वो भी ब्यूटीफुल सनराइज़, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ से। तो वीडियो को यहाँ तक देख लिया है अगर आप लोगों ने तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। आई नो वीडियो थोड़ा लेट आते हैं बट तो ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है में, और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो डिलीवर कर पाऊँ। जो भी मेरे को जैसे भी कंटेंट मिलता है मैं उसको डालने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट दिखा दिया करो, और जो अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको भी शेयर किया करो सो दैट वो भी सब्सक्राइब कर लें और इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। खैर सनराइज़ मैंने दिखा दिया, तो चलते हैं अब और कंटिन्यू करते हैं इस राइड को। मैं जा रहा हूँ लैंसडाउन, तो